एवरीवन, तो आज की वीडियो में होने वाला है गिव अवे एंड काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। और कैसे पार्टिसिपेट करना है, क्या प्राइज में होने वाला है, वो आपको वीडियो के आगे पता चलेगा। बट ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, इसका रीजन है ये क्यूब। तो ये है क्यूब ले लो का अभी अभी लॉन्च हुआ ड्रिफ्ट 3M प्लस वर्जन 2। V1 हमने ऑलरेडी ट्राई किया हुआ है बट ये वर्जन 2 है। एंड आज के वीडियो में आप लोगों के लिए, स्पेशली मेरी ऑडियंस के लिए, काफ़ी अमेजिंग ऑफर मिलने वाला है। उसके बारे में भी आगे पता चलूंगा बताऊंगा, क्योंकि अभी बता दिया तो आप लोग काफ़ी सरप्राइज हो जाओगे एंड वीडियो नहीं देखोगे। तो उसके बारे में भी बात करेंगे, गिव अवे के बारे में भी बात करेंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लेट सी कि गिव अवे में क्या होने वाला है एंड ये क्यूब जिसको अभी अभी लॉन्च किया है क्यूब लेलो ने, वो ये है क्यूब लेलो का ड्रिफ्ट 3M प्लस वर्जन 2। तो इसको अनबॉक्स करते हैं। एंड इसकी खास बात ये है कि ये क्यूब जो है ये इंडिया में असेंबल हुआ है एंड मेड इन इंडिया क्यूब आप इसे बोल सकते हो, मतलब कंप्लीटली मेड इन इंडिया नहीं बट हाँ असेंबली इसकी इंडिया में ही हुई है। तो ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। इसके एसेसरी बॉक्स में हमें क्या देखने को मिलता है, तो इसके एसेसरी बॉक्स में हमें देखने को मिलती है एक टूल कैसे यूज करने है उसकी गाइड। नेक्स्ट हमें मिलता है ड्रिफ्ट 3 की सॉल्विंग गाइड एंड हमें टेंशनिंग टूल सेम एज RS 3M और स्क्रू ड्राइवर देखने को मिलता है। इसको साइड करता हूँ, मेन हमारा फोकस है क्यूब पर एंड क्यूब ये काफ़ी फ्रॉस्टेड वर्जन लग रहा है मुझे एंड फर्स्ट टर्न्स काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। अब मैं आपको एक बार ऑफर बता देता हूँ, उसके बाद आपको गिव अवे के बारे में बताऊंगा क्योंकि लिमिटेड ऑफर है, शायद आप उसे अवेल ना कर पाओ। तो ये क्यूब जो है ये मोयू RS 3M V5 का रीब्रांडेड वर्जन है एंड इसकी MRP आपको पता होगी 899 रुपीज़ है, बट अभी करेंटली ये 699 पर चल रहा है। लेकिन अगर आप मेरी ऑडियंस हो, जो कि आप ऑब्वियसली हो, तो अगर आप कोड यूज करते हो Akshat 499 तो आपको ये क्यूब सिर्फ 499 में मिल जाएगा। एंड इस ऑफर की मैं गारंटी नहीं ले सकता कि कब तक चलेगा, तो जितना जल्दी हो सके उसे अवेल कर लो। एंड क्योंकि इतने सस्ते में आपको मोयू RS 3M V5 का रीब्रांडेड वर्जन मिल ही नहीं सकता, आई कैन गारंटी यू। तो काफ़ी अमेजिंग है। अब मैं इसके एक बार रिव्यू दे देता हूँ, फिर गिव अवे की बात करेंगे। तो क्यूब की फर्स्ट टर्निंग बहुत ज़्यादा अमेजिंग है आउट ऑफ द बॉक्स। अगर मैं इसकी कॉर्नर कटिंग की बात करूँ तो 30 डिग्री आराम से कर पा रहा है, 45 डिग्री भी एफर्टलेस कर पा रहा है एंड मोर देन 45 आई डोंट थिंक सो कर पाएगा, बट हाँ नेक्स्ट कॉर्नर कट कर पा रहा है मोर देन 45 में। बैक की बात करूँ तो बैक कॉर्नर कटिंग 30 डिग्री कर पा रहा है, मोर देन 45 में नेक्स्ट कॉर्नर कट कर रहा है। काफ़ी अच्छी कॉर्नर कटिंग है इसकी। और इस क्यूब में आपको पता होगा इस प्राइस में 499 में आपको अभी तक ड्रिफ्ट 3M मिल रहा था जो कि मोयू मियालोंग 3C का रीब्रांडेड वर्जन था एंड रीब्रांड भी नहीं बोलूंगा, एनहेंस्ड वर्जन, बट अभी तक सबसे सस्ता यही आया। तो मैं तो चाहूंगा कि आप जितना जल्दी हो सके इसे बाय कर लो। अगर मैं बात करूं इसकी मैग्नेटिक सेटिंग्स की, तो मैग्नेटिक सेटिंग्स काफी, मतलब मैग्नेट्स काफी स्ट्रांग है और एडजस्टेबल नहीं है बट काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और मैं रिकमेंड भी नहीं करता हूं जनरली एडजस्टेबल मैग्नेट्स को, क्योंकि एक ही मैग्नेटिक सेटिंग को आप फिक्स रखते हो और बार बार चेंज नहीं करते हो। तो मैं हर जिसमें मैग्नेट एडजस्टेबल सिस्टम देखने को भी मिलता है, मैं उसमें भी यही बोलता हूं कि इतनी कोई नीड नहीं होती, बट मैग्नेट्स काफी स्ट्रांग है। अगर मैं इसका एचपीस निकाल के आपको दिखाऊं तो आपको मैं मैग्नेट्स भी दिखा दूंगा। सो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है काफ़ी टीनी टीनी मैग्नेट, बट ये एक्चुअल में इनकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है, तो इतना ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगर मैं कॉर्नर की भी निकाल के बात करूँ, बट ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बॉल कॉर नहीं है ऑब्वियसली इतने कम बजट में। एंड इसका जो सरफेस है उस पर स्पाइडर वेब डिज़ाइन मुझे देखने को मिल रहा है जो कि इसको बेटर लुब्रिकेशन के लिए बनाया, तो काफ़ी सही है। अब मैं बात कर लेता हूँ इसकी सेटिंग्स की। मेरे को मोयू के और जितने भी क्यूब ले लो के क्यूब्स होते हैं उनकी एक खास बात और एक अच्छी बात ये लगती है कि कोई फालतू की सेटिंग्स नहीं होती। सिंपल मोयू का जो तब से चला आ रहा है RS 3M 2020 के टाइम से जो टेंशनिंग सिस्टम है वही चल रहा है। एग्जैक्टली 9 टेंशनिंग सेटिंग्स इसमें देखने को मिलती हैं, जिसमें आप इस टूल की हेल्प से जब आप इसे एंटी क्लॉकवाइज टर्न करते हो तो आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। एंड अगर आप मेरे वीडियोस काफ़ी टाइम से देख रहे हो तो आपको पता होगा कि मेरी जो इस टूल के साथ सेटिंग्स होती है वो हर क्यूब के लिए 3 पर ही होती है। तो मैं इसको भी 3 पर सेट कर देता हूँ, 1 2 3 एंड हमारा क्यूब हो चुका है काम करने के लिए तैयार। एंड काफ़ी अमेजिंग क्यूब है, काफ़ी अच्छा क्यूब है। एंड कोड यूज करना Akshat 499। गिव अवे की बात कर लेता हूं, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो गिव अवे में होने वाला है यही क्यूब एंड लेट्स सी एक विनर मैं चूज करूंगा। करना क्या है, रूल्स क्या है, आपको एक प्यारा सा कमेंट करना है इस वीडियो के नीचे कि आपको ये क्यूब कैसा लगा एंड या फिर
हाँ ये क्यूब कैसा लगा बस यही कमेंट कर देना, और वीडियो कैसा लगा वो भी आप बता सकते हो एक्स्ट्रा में, लेकिन कमेंट आपको यही करना है कि ये क्यूब कैसा लगा, एंड बस आप पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। एंड यार एक चीज़ मैं और बोल देता हूँ कि मैं जब मैं कमेंट वाला गिव अवे करता हूँ ना, तो एक काम आप ज़रूर करना कि आप अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में अपनी ईमेल आईडी ज़रूर डाल देना, मतलब वीडियो के कमेंट सेक्शन में नहीं डालनी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, जब मैं उसको ओपन करूँ आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जब मैं आपके लोगो पर क्लिक करूँ तो आपको जो ईमेल आईडी है वो विजिबल होनी चाहिए बस, ताकि मैं आपको कॉन्टैक्ट कर सकूँ, कॉन्टैक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस वजह से बस ये बोल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में अपनी ईमेल आईडी डाल देना, फिर जो मैं विनर चूज करूँगा उसको मैं क्यूब भेज दूंगा। ओके सो आई होप आपको गिव अवे पसंद आया होगा एंड ये क्यूब उससे ज़्यादा पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी क्यूबिंग।